क्लास नाइन्थ के सभी विद्यार्थियों, देख लीजिए नौवीं के हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर एक पेपर मैंने पहले भी सोल्व करा दिया है। अब हम दूसरा पेपर सोल्व करते हैं। यहाँ से जरूर आप इस पेपर को सोल्व करके परीक्षा हाल में जाइएगा, क्योंकि सुबह 100% चांस है कि यही प्रश्न पेपर आपको मिल जाए या इससे संबंधित पूरे सारे प्रश्न फंस जाए। देखिए पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, तो बच्चों पदार्थ की अवस्थाएं होती है तीन। एक कोशिका से दो या दो से अधिक कोशिकाओं का बनना क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन। मोमबत्ती का जो जलना है वो आपका कौन सी परिवर्तन है? तो देखो मोमबत्ती जलेगी ना तो वो कहलाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन, इसलिए यहां पर एकदम राइट रहेगा रासायनिक परिवर्तन। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं, किसी वस्तु में वेग के परिवर्तन को अपन कहेंगे त्वरण, ठीक है। इसके बाद में अगला है, निम्नलिखित में से किन तत्वों की परमाणुता दो होती है? तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यहां पर बा ऑप्शन एकदम राइट रहेगा ये, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं, एक तत्व के समस्थानिक होते हैं, एक तत्व में समस्थानिक होते हैं कितने? तो उसमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो तो उस तत्व के वो कहलाएंगे समस्थानिक। तो बर्फ का गलनांक, बर्फ का जो गलनांक है वो बर्फ का गलनांक आपका 273 केल्विन हो जाएगा। कितना जाएगा? 273 केल्विन। बर्फ तथा जल वाष्प के गुण समान होते हैं, कौन से गुण समान होते हैं? तो रासायनिक गुण समान होते हैं, ध्यान दीजिएगा रासायनिक गुण। कौन से गुण समान होंगे? रासायनिक गुण समान होंगे। और अब अगला है हमारा पर, यहाँ पर अगला देखिए, गति की मापन इकाई है, गति की जो मापन इकाई है वो आपका है मीटर अपॉन सेकेंड। और पांचवा जो रहेगा आपका आएगा निश्चित आवेश युक्त परमाणुओं का समूह, बहु परमाणु। क्या हो जाएगा? बहु परमाणु, ठीक है। इसके बाद में अगला फ्लोएम, फ्लोएम उतक पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन का परिवहन करता है। क्या करता है? परिवहन करता है। अगला देखेंगे सही जोड़ी, थोड़ा सा जोड़ी को छोटा करेंगे ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। पहली जोड़ी देखिए, संयोजी उतक की हम बात करें तो संयोजी जो उतक है वो आपका कहलाता है रक्त। तो ये संयोजी उतक का मिलान आपको करना है रक्त से। भोजन का परिवहन, पत्तियों में भोजन का परिवहन के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो फ्लोएम के द्वारा ही भोजन का परिवहन होता है, तो ये दूसरा हो जाएगा आपका फ्लोएम, ठीक है। तंत्रिका ऊतक की जो इकाई है वो न्यूरॉन है, ये हो गया आपका न्यूरॉन, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, इसके लिए प्रकाश संश्लेषण आ जाएगा। राइबोसियम, राइबोसोम, तो राइबोसोम जो है वो क्या है आपका? प्रोटीन। और तन्यता जो है धातु का गुण है, ठीक है, समझ में आया है? बढ़िया से एक बार फिर से देख लो ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, क्योंकि याद करना ही है। संयोजी ऊतक का आपका मिलान हो गया है आपका रक्त से। पत्तियों में भोजन का परिवहन फ्लोएम आ जाएगा। तंत्रिका ऊतक का न्यूरॉन आ जाएगा। क्लोरोप्लास्ट का आपका जाएगा प्रकाश संश्लेषण। राइबोसोम का जाएगा आपका प्रोटीन। और तन्यता का जाएगा आपकी धातु। इसमें क्या मान होगा? देखो डिग्री सेल्सियस में जब आप मान करोगे तो 300 केल्विन में से 273 घटेगा, तो 273 घटाओगे तो 27 बचेगा। वहां विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त स्तर से कम होती है, तो वो जो संतृप्त स्तर से कम होगी मतलब वो संतृप्त नहीं है, तो संतृप्त नहीं हुआ तो क्या है वो? असंतृप्त राइट रहेगा उसका। क्या रहेगा उसका? राइट असंतृप्त। कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। कोशिका सिद्धांत जो दिया था ना वो दिया था
स्लाइडेन और स्वान ने। लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है? जो लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल है वो 126 दिन का होता है। ठीक है, एक गाड़ी का ओडोमीटर किसका मापन करता है? एक गाड़ी का ओडोमीटर जो है ना, चली गई दूरी का मापन करेगा, चली गई दूरी का। और अंतिम आपका छठा है कि अवोगाद्रो की संख्या का, ये अवोगाद्रो नहीं, ये अवोगाद्रो की संख्या का मान होता है 6.022 × 10²। 10² कितनी जाएगी? 22 आ जाएगा। तो ये आप यहां से बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके बच्चों, आगे बढ़ते बेटा, सत्य सत्य की बात है। थोड़ा सा आराम से शांति से अब सारी चीजों को देखेंगे। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है, तो ये आपका सत्य सत्य है। तो यहां पर ये आपका पहला सत्य रहेगा। ठीक है, मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में होते, तो भैया यदि निश्चित रहता तो वो यौगिक रहता, यौगिक में तरह तो निश्चित, और मिश्रण में रहता है अनिश्चित, तो ये भी राइट बात है। ऊपर के जो फर्स्ट और सेकेंड है वो आपके सत्य हो गए। जी कोशिका जीवन के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई नहीं है, नहीं बोला है भैया, है, क्योंकि कोशिका हमारे जीवन के संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, तो आपने सुना भी है, तो ये बात आपकी हो जाएगी असत्य। वेग में परिवर्तन की दर को औसत वेग नहीं कहते, त्वरण कहते हैं, त्वरण, क्या कहते हैं उसे? त्वरण। तो ये चौथा भी बात भी आपकी गलत है, यानी कि अभी तक अपन ने जो पढ़ा जिसमें से दो ऊपर के सत्य हो गए, दो तीसरे और चौथे असत्य हो गए। कैल्शियम के परमाणु द्रव्यमान संख्या 40 होती, बिल्कुल राइट बात है। और रक्त एवं प्लाज्मा संवहनीय संयोजी ऊतक है, ये भी सत्य है, यानी कि बीच के तीसरे और चौथे, ध्यान देना, तीसरे और चौथा जो असत्य है आपका, वो आपका असत्य है, बाकी पहला दूसरा और पांचवा छठा ये सत्य है। अब यहां पर अपन देखेंगे क्वेश्चन आंसरों को। ठोसों की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक क्यों होती है? ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं या किसमें गुण पाया जाता है? परमाणु से आप क्या समझते हैं? बहु परमाणु आयन क्या होते हैं? उदाहरण देना है। गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों? मिश्र धातु किसे कहते हैं? एक मिश्र धातु का नाम बताना है। मिश्रण और यौगिक, मिश्रण और यौगिक में अंतर बताइए। तत्व तथा यौगिक में क्या अंतर है? कोलाइडी विलयनों के गुण, कोलाइडी विलयनों के दो गुण लिखने हैं। सांद्रता की परिभाषा दे देनी है। जाइलम और फ्लोएम में अंतर है। श्वेत रुधिर कणिकाओं को सिपाही क्यों कहा गया है? एक समान गति किसे कहते हैं? यहाँ से प्रश्नों को आप पढ़ लीजिए ध्यान से। गति का प्रथम नियम, संवेग संरक्षण का नियम बताना है। ये ऐसे क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हर जिले में आने के चांस है। दो पेपर बनाऊंगा, दो पेपर दोनों ही रियल नहीं है, इस बात को और आप अच्छे से दिमाग में बैठा। फिर बेटा रियल कैसे? तो रियल भाई साहब अलग जिलों, अलग जिलों में अलग अलग तरह के पेपर आ रहे हैं। अब कैसे कह दूं मैं आपको? धोखा थोड़ी देना चाहता हूं मैं, आज रियल बोल के व्यू पाने वाला बंदा नहीं हूं भाई, है ना। मैं हमेशा हमारे बच्चों का पूरा ध्यान रखता हूं। वार्षिक पेपर के लिए मैं 6 मॉडल पेपर आपको दूंगा स्टार्ट में, अभी पेपर खत्म होंगे, 1 अक्टूबर से अपनी वो क्लास बिल्कुल प्रॉपर आ जाएगी। समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं? बर्फ का टुकड़ा जल पर क्यों तैरता है? अमीबा अपना पोषण भोजन कैसे प्राप्त करता है? अणु और परमाणु में कोई तीन अंतर बताने हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के तीन विशेषताएं बतानी है। पादप कोशिकाओं का चित्र बनाना है। जंतु कोशिका का नामांकित चित्र है। पादप एवं जंतु कोशिका में 4 अंतर देना है, यहाँ से उदाहरण। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 23। बेटा ध्यान से, धैर्य से, धीरज से, आराम से आपको ये सारी चीजें कंप्लीट करनी है और अच्छे से तैयारी करनी है, ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या है? हमारे बच्चों को अच्छे नंबर आए। और अच्छे नंबर कब आएंगे? जब वो पढ़ेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे, तब आएंगे। वार्षिक परीक्षा के लिए मैं 6 तरह के आपको सैंपल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, आप जरूर 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 कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।